नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में इंटेक स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, पावर स्ट्रोक क्या होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है। हम जानेंगे कि गाड़ी में तेल कैसे आता है, हवा कैसे आता है, वो तेल और हवा जो आता है उसका होता क्या है, तेल और हवा में आग कैसे लगता है। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गाड़ी में धुआं कैसे बनता है और धुआं निकलता कैसे है। तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखना नहीं है, देखने से काम नहीं बनेगा, कॉपी लेकर के नोट कीजिए अभी के अभी। इस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले जानेंगे कि यह फोर स्ट्रोक इंजन आखिर है क्या। तो देखिए लिखा हुआ है यहां पर, क्लियरली आप देख सकते हैं फोर स्ट्रोक इंजन, यहां पर देख सकते हैं फोर स्ट्रोक इंजन लिखा हुआ है। फोर स्ट्रोक का मतलब चार स्ट्रोक, फोर का मतलब फोर चार, स्ट्रोक का मतलब होता है ठोकर। कहानी समझिए, स्ट्रोक का मतलब होता है ठोकर, यह बात आपको याद रहना चाहिए। स्ट्रोक का मतलब होता है ठोकर, फोर स्ट्रोक कहने का अर्थ है चार गो ठोकर, ठोकर ठोकर। स्ट्रोक का मतलब होता है ठोकर, चार स्ट्रोक का मतलब चार ठोकर, धक्का, ये समझ सकते हैं। चार स्ट्रोक इंजन का मतलब चार बार धक्का लगाने वाला इंजन, चार स्ट्रोक इंजन का मतलब चार बार ठोकर लगाने वाला इंजन। तो ठोकर कौन लगाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए भैया, चार गो स्ट्रोक होता है, चार गो स्ट्रोक का नाम है। जैसे हमारे हाथ में पांच गो उंगली है तो पांचों उंगली का अलग अलग नाम है, उसी तरह गाड़ी में जो फोर स्ट्रोक होता है, चार स्ट्रोक होता है, चार स्ट्रोक का अलग अलग नाम होता है। पहला स्ट्रोक का नाम है इंटेक या सक्शन स्ट्रोक, नाम में से स्पष्ट है इंटेक, इन मतलब अंदर, टेक का मतलब लेना, इंटेक, इंटेक स्ट्रोक। यानी इसमें जो है, इस स्ट्रोक में तेल और हवा जो है, तेल और हवा सो आता है, सिलेंडर में आता है, समझिए तेल और हवा आता है, इंटेक यानी अंदर की तरफ आता है। क्या आता है, तो तेल और हवा का मिश्रण, तेल और हवा आपस में मिक्स होके कहां आता है, तो जहां पर जलने का काम होगा, तेल जहां पर जलता है उसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर में आता है तेल प्लस हवा, बात को समझिए। गाड़ी में चार गो स्ट्रोक का मतलब होता है कि पहला स्ट्रोक का नाम हो गया इंटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में तेल और हवा जो है सो कहां आता है, तो सिलेंडर में, दहन कक्ष में आता है, जहां पर इसका आग लगेगा। दूसरा स्ट्रोक का नाम है, देखिए दूसरा स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक, नाम से स्पष्ट है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, कंप्रेशन का अर्थ होता है दबाना। किसको दबाया जाएगा, तो ये जो तेल और हवा जो आया है इसको दबाने का काम करेगा, दबाया जाएगा, दबाया जाएगा। पहला स्ट्रोक था हमारा इंटेक या सक्शन स्ट्रोक, इंटेक या सक्शन स्ट्रोक में तेल और हवा आता है, तेल और हवा आ जाता है, उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया जाता है, तो कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, इसको दबाने का काम किया जाता है। और तीसरा जो स्ट्रोक है इसको कहा जाता है पावर स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, आग लगता है, देखिएगा आग लगता है, कौन सी में आग लगता है, कपड़ा में आग लगता है, घर में आग लगता है, नहीं, ये जो तेल है जो आया था जिसको दबाया गया है उसी तेल में आग लगता है, बात समझ में आ गया। तीसरा स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में आग लगता है। अभी सारा बात समझ में आएगा, डायग्राम से भी समझाएंगे, डायग्राम रखे हुए हैं, डायग्राम से समझाएंगे, पहले समझा देते हैं सारा बात। तीसरा स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में आग लगता है। अब आग लगेगा तो ऊर्जा मिलेगा, उसी ऊर्जा से एनर्जी चलेगा, लेकिन गंदगी भी तो बनेगा, तो वो गंदगी क्या होगा, तो गंदगी सिलेंसर के माध्यम से बाहर निकलेगा, तो गंदगी बाहर निकलता है, गंदगी बाहर निकलता है। चौथा स्ट्रोक में गंदगी बाहर निकलता है और इस चौथा स्ट्रोक का नाम होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे हमारे हाथ में पांच उंगली है तो पांचों का अलग अलग नाम है, उसी तरह चार स्ट्रोक इंजन जो होता है, चार स्ट्रोक इंजन, इसमें हर एक स्ट्रोक का अलग अलग नाम होता है। पहला स्ट्रोक का नाम होता है इंटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक, इंटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। इंटेक स्ट्रोक में तेल और हवा का मिक्सचर अंदर आता है, सिलेंडर के अंदर आता है। दूसरा स्ट्रोक का नाम होता है
कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन का अर्थ होता है दबाना, दबाया जाता है, दूसरा स्ट्रोक में दबाया जाता है, किसको दबाया जाता है तो तेल और हवा जो आया है उसको दबाया जाता है। तीसरा स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक। अब ये पावर स्ट्रोक क्या करता है तो पावर स्ट्रोक जब होता है तो आग लगता है, कौन सी में आग लगता है तो ये जो तेल और हवा था उसी में क्या हो जाता है आग लग जाता है। आग तो लग गया तो ऊर्जा भी तो मिलेगा, कोई भी चीज जलता है तो ऊर्जा देता है, तो तेल और हवा जलेगा तो ये भी क्या देगा ऊर्जा, तो इसी ऊर्जा से हमारा इंजन चलेगा, गाड़ी चलेगा, लेकिन साथ ही साथ गंदगी भी तो निकलेगा, तो गंदगी निकलने वाले स्ट्रोक को कहा जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चौथा स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक में क्या होता है गंदगी बाहर निकल जाता है, यानी धुआं बाहर निकल जाता है, लिखा हुआ है गंदगी क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, यानी धुआं बाहर निकल जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फोर स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक का नाम होता है इंटेक या सक्शन, पहला स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं, तनी देखिएगा, इसको अब हम लोग एनिमेशन से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये चार सिलेंडर गाड़ी है, है ना, चार सिलेंडर गाड़ी है, चाहे कोई भी सिलेंडर गाड़ी, समझिए चार सिलेंडर गाड़ी है चाहे एक सिलेंडर गाड़ी, हम लोग चार स्ट्रोक इंजन पर बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किस इंजन पर, फोर स्ट्रोक इंजन पर। नाम से स्पष्ट है फोर स्ट्रोक, तो अभी अभी बताए फोर स्ट्रोक इंजन में कई बार स्ट्रोक लगेगा तो चार बार लगेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको और आगे बढ़ाएं तो देखिए पहला स्ट्रोक का यहां पर नाम लिखा हुआ है इनटेक स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक का नाम लिखा हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक का नाम लिखा हुआ है पावर स्ट्रोक और चौथा का लिखा हुआ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी अभी हम आप लोग को समझाए थे, समझ में आ गया वहां पर तो बहुत बढ़िया, ना तो अब समझिए फोर स्ट्रोक के बारे में कि आखिर क्या है। हम बताए हैं कि पहला बार जब स्ट्रोक लगता है तो तेल और हवा अंदर आता है, तो देखिए ये आपका तेल और हवा का कण है, देखिए तो ये आपका क्या है तेल और हवा का कण, अंदर आया है कि नहीं आया है, तेल और हवा अंदर आया मतलब ये कौन सा स्ट्रोक है तो ये है इंटेक स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को हम लोग कहेंगे इंटेक स्ट्रोक। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इंटेक स्ट्रोक में तेल और हवा अंदर आता है, आप देख सकते हैं तेल और हवा अंदर आ गया है और तेल जहां तहां फैला हुआ है, तेल जहां तहां फैला हुआ है। अब इसको हम लोग दबाना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, तो देखिए अब दूसरा स्ट्रोक होगा। अच्छा तेल और हवा नीचे आया है तो यह है पिस्टन हमारा, देखिए पिस्टन नीचे चला जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ये देखिए पिस्टन कहां गया नीचे गया, दिया हुआ है कि जब तेल और हवा आता है तो पिस्टन नीचे चला जाता है, इसी स्ट्रोक को कहा जाता है इंटेक स्ट्रोक। अगला बार देखिए, अच्छा इसमें तेल जहां तहां फैला हुआ था, अब तेल को हम दबाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तेल ज्यादा जगह नहीं कम जगह घेरे, कम जगह छेके, तो अब हम लोग पिस्टन को ऊपर ले गए, देखिए ये पिस्टन कहां गया ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया तो जो तेल पहले जहां तहां फैला हुआ था वो तेल अब देखिए कम दूरी में क्या हो गया कंप्रेस हो गया, कम दूरी में तेल क्या हो गया कंप्रेस हो गया, इसलिए इस स्ट्रोक का नाम पड़ता है कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक का नाम पड़ता है कंप्रेशन स्ट्रोक। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इंटेक स्ट्रोक में तेल और हवा अंदर आया, अंदर आया तो पिस्टन नीचे गया था, अब पिस्टन जब ऊपर गया तो तेल और हवा क्या हो गया एकदम कंप्रेस हो गया, दब गया, चपा गया, अतः इस स्ट्रोक का नाम क्या पड़ा कंप्रेशन स्ट्रोक। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, अब फिर देखिए पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन कहां आएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा उससे पहले ही तेज, जब पिस्टन ऊपर गया था जैसे ही पिस्टन यहां से लेकर के यहां पर पहुंचेगा कि यहां से एक चिंगारी निकलेगा, अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो चिंगारी निकलेगा और डीजल इंजन गाड़ी है तो चिंगारी नहीं निकलेगा, पिस्टन अभी ऊपरे है तो डीजल इंजन गाड़ी है तो चिंगारी ना निकलेगा, पेट्रोल इंजन है तो चिंगारी निकलेगा, उसी चिंगारी से आग लग जाएगा। देखिए यहां पर देखिए आग लगा हुआ है, क्लियरली आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है आग, तो आग लगता है तो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, तो यहां पर उसी तरह का धमाका होगा, धमाका होगा तो यह धमाका फिर पिस्टन को कहां धकेल देगा नीचे धकेल देगा, देखिए पिस्टन फिर कहां आएगा नीचे आएगा, है ना, तो आग लगा, धमाका हुआ, धमाका हुआ अर्थात हमको ऊर्जा मिला, हमको पावर मिला, अतः इस स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आग लगा,
धमाका हुआ, हमको पावर मिला, अतः इस स्ट्रोक का नाम हमने क्या दिया है, पावर स्ट्रोक। अब देखिए हमको आग लग चुका है, ऊर्जा मिल चुका है, इसी ऊर्जा से हमारा इंजन चलेगा, लेकिन ये जो धुआं बनेगा, जो गंदगी बनेगा, वो गंदगी कहाँ जाएगा, तो इस फिगर में देखिए, अब पिस्टन फिर से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जाएगा, है ना, तो सारा का सारा गंदगी, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब गंदगी है, ये सब गंदगी इधर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, सारा का सारा गंदगी एग्जिट कर जाएगा, अतः इस स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फोर स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक को क्या कहते हैं। तो एक बार फिर से सारा कहानी समझा देते हैं। देखिए पहला स्ट्रोक को इनटेक स्ट्रोक कहा जाता है, इनटेक यानी कि हवा अंदर आएगा, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हवा अंदर आया है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हवा अंदर आता है तो पिस्टन ऊपर जाता है कि पिस्टन नीचे जाता है, तो हमेशा याद रखिए पिस्टन कहां जाता है, नीचे। तो पूरा खाली स्थान में क्या भर जाता है, हवा भर जाता है। पिस्टन नीचे गया कि सारा का सारा खाली स्थान में क्या भर गया, हवा और तेल का माध्यम भर गया, हवा और तेल जो आया था वो भर गया। इसी स्ट्रोक को नाम हमने दिया इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। आगे देखिए अब दूसरा स्ट्रोक, अच्छा पिस्टन एक बार नीचे आया तो ठक करेगा तो हो गया कथी स्ट्रोक, पहले ही बताए स्ट्रोक का मतलब ठोकर। यहां गया तो एक स्ट्रोक, यहां आया तो दूसरा स्ट्रोक, फिर यहां गया तो तीसरा स्ट्रोक, फिर यहां आया तो चौथा स्ट्रोक। सुन रहे हैं, यहां गया तो एक स्ट्रोक, यहां आया तो दो स्ट्रोक, यहां गया तो तीन स्ट्रोक, यहां आया तो चार स्ट्रोक। तो पिस्टन एक बार नीचे आया तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ और उसी स्ट्रोक का नाम हमने क्या दिया है, इनटेक स्ट्रोक। अब देखिए पिस्टन ऊपर जा रहा है यानी कि दोबारा, तो कैमा स्ट्रोक होगा, दूसरा स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक में हो क्या रहा है, तो जो तेल और हवा जहां तहां फैला हुआ था उसको समेट करके कम दूरी में किया जा रहा है, यानी कि तेल और हवा को कंप्रेस किया जा रहा है, अतः इस स्ट्रोक का नाम क्या पड़ेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। अगर कोई पूछे आपसे कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आता है कि ऊपर जाता है, तो देख रहे हैं तीर ऊपर के तरफ है, यानी पिस्टन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दोबारा जैसे ही पिस्टन ऊपर गया दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, पिस्टन ऊपर है, अगर यहां पर पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग लगेगा, तब स्पार्क प्लग निकालेगा चिंगारी, और इसी चिंगारी से क्या हो जाएगा, ये देखिए आग लग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, धमाका होगा, आग लगेगा, तो उस आग लगने से हमको मिलेगा पावर, क्या मिलेगा हमको, पावर मिलेगा, ये देखिए पावर मिलेगा। अतः इस स्ट्रोक का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, पावर स्ट्रोक दे देते हैं। ये जो पावर मिलेगा इसी पावर से हमारा गाड़ी, हमारा इंजन चलेगा। अच्छा पावर स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है कि नीचे, तो क्लियरली देख सकते हैं पिस्टन कहां आता है, नीचे आता है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन कहां गया, नीचे आ गया, यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा पावर स्ट्रोक में जो हमको मिलता है एनर्जी, हमको पावर, उससे हम तो गाड़ी चला लेंगे, लेकिन जो गंदगी है उस गंदगी का क्या करेंगे, तो देखिएगा अब देखिए पिस्टन नीचे आ चुका है पूरी तरह से, गंदगी ये सब देखिए पूरा खाली स्थान में भर गया है, ये गंदगी कहां भर गया है, पूरा खाली स्थान में। तो गंदगी को अब हम क्या करेंगे, गाड़ी में रखेंगे, नहीं, दिक्कत हो जाएगा, इस गंदगी को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए देखिए यहां से एक रास्ता खुलेगा और सारा का सारा गंदगी बाहर निकलेगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब। तो पिस्टन ऊपर गया तो चौथा स्ट्रोक है ना, देख रहे हैं, पूछेगा कि चौथा स्ट्रोक का नाम क्या है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, तो गंदगी यानी कि धुआं बाहर निकलता है। तो पूछेगा, अच्छा चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, तो क्लियरली देख सकते हैं पिस्टन कहां जाता है, ऊपर जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। किस स्ट्रोक में आता है पिस्टन नीचे और किस में ऊपर, ये बात भी आपको समझ में आ गया। तेल कैसे आता है, हवा कैसे आता है, पता चल गया। तेल और हवा का कंप्रेशन होता है, यह भी समझ में आ गया। तेल जलता कैसे है, यह भी समझ में आ गया। तेल जलने के बाद जो पावर मिलता है उस पावर से गाड़ी चलता है, यह भी समझ में आ गया। और गंदगी जो बनता है वो गंदगी जो है सो बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, यह भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात उठता है कि देखिएगा, अब बात उठता है, देखिए नीचे आराम से कर लेते हैं फोटो को, है ना। देखिए ये फोटो देखिए, अगर आपसे पूछे कि जो तेल आया, ये देखिए ये तेल आया कहां से आया,
तो इसका नाम है इंटेक वाल्व। देखिएगा इस वाल्व का नाम होता है, ये वाला वाल्व है, इस वाल्व का नाम कथी है, इंटेक वाल्व, इंटेक वाल्व। तो इंटेक वाल्व के माध्यम से तेल और हवा अंदर आता है, हमेशा याद रखिएगा इंटेक वाल्व के माध्यम से क्या आता है, तेल और हवा अंदर आता है। देखिए इंटेक वाल्व खुलेगा तब तेल और हवा अंदर आएगा, याद रखिएगा इंटेक वाल्व का काम है तेल और हवा को अंदर ले लेना, इंटेक वाल्व का काम है तेल और हवा को अंदर ले लेना। तब पूछेगा कि भैया जो धुआं बन रहा है ये वाला धुआं जो बना, धुआं को बाहर कौन सा वाल्व करेगा। देखिए तो इस वाल्व का नाम होता है एग्जॉस्ट वाल्व, क्या नाम होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इस वाल्व का नाम है EXHAUST, एग्जॉस्ट वाल्व। इस वाल्व का नाम होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, धुआं और गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो हमेशा याद रखिए कि इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व में क्या फर्क है। तो तेल और हवा के मिश्रण को अंदर लेना इंटेक वाल्व का काम है, धुआं और गंदगी को बाहर निकालना एग्जॉस्ट वाल्व का काम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि पावर स्ट्रोक जब होता है, आग लगता है, तो पेट्रोल इंजन गाड़ी में स्पार्क प्लग चिंगारी मार के आग लगाता है, तो डीजल इंजन गाड़ी में आग कैसे लगता है। अगर पूछ दे कि मान लिया कि ये पेट्रोल इंजन गाड़ी था तो चिंगारी मारा तो यहां पर आग लग गया, लेकिन डीजल इंजन गाड़ी होगा तो उसमें तो स्पार्क प्लग लगवे नहीं करेगा, तब आग कैसे लगेगा। तो याद रखिए ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है ना, ये सी स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, डीजल इंजन गाड़ी में कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कंप्रेशन होता है कि कंप्रेशन से ही आग लग जाता है। हमेशा याद रखिएगा पेट्रोल इंजन गाड़ी में चिंगारी मार के आग लगाया जाता है पेट्रोल और हवा के मिश्रण को, तेल जो आता है उसको पेट्रोल इंजन गाड़ी में कौन चीज से आग लगाया जाता है, तो ये जो स्पार्क प्लग है उसके चिंगारी से। लेकिन डीजल इंजन गाड़ी में कोई प्लग, मतलब स्पार्क प्लग नहीं लगता है, चिंगारी यार नहीं निकलता है, डीजल इंजन गाड़ी में तेल और हवा को इतना ना चाप दिया जाता है, इतना ना कंप्रेस कर दिया जाता है कि उसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आग लग जाता है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया निश्चिंत होकर के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोगों के लिए बेहतर हो। मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।